So let's continue with our same chapter, that is civics chapter 8, confronting marginalization. As we already discussed yesterday also, that confronting means facing something. जो भी आपके अगेंस्ट कुछ भी नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं, तो उनके लिए जब आप प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हो, उन रिचुअल्स को बस चुप रह के फॉलो करना, अब आपको लगता है कि नहीं, अब हमें इस चीज़ को फेस टू फेस लेके क्या करना चाहिए, अब हमें इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए और हमें इसके अगेंस्ट क्या चाहिए, राइट्स चाहिए. ठीक है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था और जो आपका वेरियस आर्टिकल्स थे इसके रिगार्डिंग, वो हमने कल डिस्कस किया. विधि, ऑन योर वीडियो विधि, साहिल ऑन योर वीडियो बेटा प्लीज. यस, थैंक यू सो मच. विधि, यू ऑल्सो ऑन योर वीडियो बेटा. यस, तो कल हमने स्टार्ट किया और कल हमने क्या कुछ डिस्कस किया था, स्टोरी डिस्कस की थी. ठीक है, जिसमें जो लोअर कास्ट पर्सन होते हैं, वो जो भी फेस्टिवल उनका वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता था फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स, तो उसके अगेंस्ट में वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, इस तरीके के रिचुअल फॉलो करने से मना कर देते हैं और फाइनली वो एक एक्ट पास करवाते हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं. और जो एक्ट होता है आपका प्रिवेंशन टू एट्रोसिटी 1989, जिसके जिस एक्ट की हेल्प से अब उनके उनका जो विलेज है उसमें एज सच कोई भी रिचुअल फॉलो नहीं होता है. ठीक है, इतना हमने किया था. आर्टिकल्स भी आपको बताए थे, आर्टिकल 17 है विच एबॉलिश और प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 14 है विच गिव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, यू आर हैविंग आर्टिकल 15.1 विच प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेरियस बैकग्राउंड, आफ्टर दैट यू आर हैविंग 15.2 इन विच फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू यूज पब्लिक फैसिलिटीज़. ठीक है, एवरी वन हैविंग इक्वल राइट टू यूज़ पब्लिक फैसिलिटीज़ इक्वली. आफ्टर दैट आर्टिकल 17 आपको बताया विच प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी. आफ्टर दैट यू आर हैविंग 19, आर्टिकल 19, फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन द कंट्री, मीन्स देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी वन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस इन द सेम कंट्री ओनली. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट आवर yesterday class, कल की क्लास में हमने ये सब डिस्कस किया था. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर सेम चैप्टर. और आज हम क्या डिस्कस करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्ट 1989. यू आर हैविंग प्रिवेंशन, राइट, प्रिवेंशन टू एट्रोसिटी 1989, विच इज स्पेसिफिकली फॉर एससी एसटी एंड दलित पर्सन्स. ओके, जो दलित पर्सन है उनको जब बहुत सारे यू कैन से डोमिनेट किया जाता था उन्हें, तो फिर उन्होंने भी क्या सोचा, दैट वी आल्सो वांट सम राइट्स, हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे राइट्स मिलने चाहिए जो कि हमें हमारी सेफ्टी प्रोवाइड कर सके. लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ना, सेफ गार्ड टू द माइनॉरिटीज़. ठीक है, तो सेफ गार्ड की जब उन्हें ज़रूरत फील हुई, तो फिर उन्होंने अपने राइट्स के लिए क्या किया, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट आ गया 1989, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे केसेस हैं बच्चे जो उस इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है, अगर आप नेट पे जाके सर्च आउट करोगे ना, तो वहाँ पे आपको देखना इतने सारे केसेस आपको मिलेंगे ना, जिसके अगेंस्ट में एससी एससी और दलित पर्संस केस फाइल कर सकते हैं. ठीक है, अभी वो हम सारे केसेस डिस्कस करेंगे, मतलब सारे तो हम देखिए हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, जितना भी आपके सिलेबस में वी विल डिस्कस दैट. ठीक है, तो चलिए अपना 1989 का जो एक्ट है उसके एक दो केसेस हम अभी भी डिस्कस कर सकते हैं. जैसे अभी हमने लास्ट चैप्टर में आदिवासी के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि उन्हें जब जो भी बिजनेस पर्सन थे उन्हें जब वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करनी थी, तो उन्होंने वहाँ से डिस्प्लेस होने के लिए बोल दिया. बच्चे ऑन योर वीडियो प्लीज. पीयूष, विधि, साहिल, यस, थैंक यू. हाँ जी, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से डिस्प्लेस होने के लिए बोल दिया. उन्होंने प्रॉमिस किया था कि कुछ पर्सन्स को मैक्सिमम को वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, मैक्सिमम को वो जॉब भी प्रोवाइड करेंगे, या फिर कहीं सिटी में रहने के लिए उनका प्रॉपर अरेंजमेंट कर देंगे. बट ऐसा सच हुआ तो नहीं ना, उन्होंने बहुत एक दो पर्सन्स को ही जॉब प्रोवाइड की थी और बहुत थोड़ा सा अमाउंट किसी भी 10 या 15% लोगों को उन्होंने प्रोवाइड किया था. रेस्ट ने क्या किया, बाकी सारे आदिवासी ने सफ़र किया, उन्होंने अपने लिए खुद अरेंजमेंट किया फॉर देयर लिविंग एंड फॉर देयर जॉब इन द सिटीज़. ठीक है, तो सबसे पहले राइट तो यहाँ पे
इस चीज़ के लिए उन्होंने डिमांड की कि जिस फॉरेस्ट पे, जिस लैंड पे हम रह रहे हैं उसके लिए हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चाहिए, ताकि कल को कोई भी बिजनेस पर्सन वहाँ आके सडनली हमें वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें नहीं बोल सकते हैं। एंड इफ़ दे वॉन्ट टू डिस्प्लेस अस सो दे शुड प्रोवाइड अस अ प्रॉपर प्लेस टू लिव, ओके। एंड नाउ दिस राइट इज एंड दिस एक्ट इज इंक्लूडेड दिस केस ऑल्सो, कि अगर आप किसी को भी कहीं से डिस्प्लेस करते हो तो सबसे पहले उनको लैंड राइट मिलेगा कि दिस लैंड बिलोंग्स टू यू ओनली, फाइन। लैंड डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग मीन्स अगर वहाँ पे उन्हें कोई बिजनेस पर्पस के लिए कुछ सेटअप भी करना है, कोई इंडस्ट्री है, कोई मॉल है, कोई स्कूल कॉलेज है, वट एवर इट इज़, सो प्रॉपर एग्रीमेंट साइन होगा वहाँ पे, ठीक है, दैट बोथ द पार्टीज आर एग्री टू सेल एंड परचेज द पर्टिकुलर लैंड फॉर दिस पर्पस, ठीक है, एग्रीमेंट हुआ। बच्चे जब एग्रीमेंट होगा तो उस एग्रीमेंट में सारी चीज़ें पेन डाउन होगी कि अगर वो वहाँ पे उस लैंड को उनसे परचेज करते हैं तो या तो उसका जो भी अमाउंट होगा, जो भी रेट होंगे उस प्रॉपर्टी के, पर्टिकुलर अमाउंट दे विल हैंड ओवर टू दोज पीपल्स, अदरवाइज दे विल प्रोवाइड इक्वल लैंड टू लिव इन अदर पार्ट, अगर ये कहीं और उन्हें प्रोवाइड कर देंगे, इससे उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहला केस तो आपका यही था, ठीक है। ये केस आने के बाद जो आपके आदिवासी हैं, आदिवासी और वी कैन से अभी जो चैप्टर चल रहा है उसमें एससी एसटी पर्सन एंड दलित पर्सन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूजुअली दे बिलोंग्स टू द लोअर कास्ट, और लोअर कास्ट पीपल्स के ही जो राइट्स हैं उनका, उनको क्या किया जाता है, उन्हें डोमिनेट किया जाता है, ठीक है, बाय हायर क्लास पीपल्स। तो यहाँ पे एक राइट आया, राइट रिलेटेड टू द लैंड, फाइन। उसके बाद आता है, अभी हमने एक आर्टिकल पढ़ा था ना, आर्टिकल आपका था 14, विच गिव्स इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस दिस आर्टिकल इन डेप्थ। इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, राइट मीन्स अभी हमने इक्वल राइट लिया कि जो भी लैंड है उस लैंड का रेट जिस हायर क्लास पर्सन के लिए जितना होगा उतना ही उस लैंड का रेट लोअर क्लास पर्सन के लिए भी होगा। बोथ आर हैविंग इक्वल राइट, लैंड सेम है, लैंड का प्राइस भी सेम होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है, राइट्स में आ जाता है, दैट ईच एंड एवरी पर्सन हैविंग इक्वल राइट टू टेक एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूशन एंड कैन दे कैन डू जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सबके लिए राइट्स क्या हैं, इक्वल हैं, फाइन। तो यहाँ पे राइट्स की बात की कि सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद आता है आपका अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी में आएगा लाइक एडमिशन इन कॉलेजेस, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आपने देखा है रिजर्वेशन होता है आजकल, ठीक है, आपका 33% आ जाता है, कुछ पोर्शन आपका इसमें पॉलिटिकल पार्टीज में भी आता है, ठीक है, वुमेंस के लिए कुछ राइट्स हैं रिजर्व है, कुछ सीट्स हैं जो रिजर्व है। ये रिजर्वेशन पॉलिसी हमारी कहाँ से आई है, ये रिजर्वेशन पॉलिसी आई है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ दलित पर्सन और लोअर कास्ट पीपल्स, ठीक है, उनके राइट्स को रिजर्व करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, रिजर्वेशन पॉलिसी लॉन्च की है कि इतनी पर्सन सीट जो है वो दलित या फिर एससी एसटी पर्सन्स के लिए ही होगी, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी सीट्स फुल करने किसी और पर्सन को एडमिशन नहीं दे सकता है, इतने पर्सेंट पे सिर्फ एससी एसटी को ही एडमिशन मिलेगा। ये रिजर्वेशन किस लिए आया था, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दीज माइनॉरिटी और यू कैन से दलित पर्सन्स, ठीक है, उसके बाद ही आपका रिजर्वेशन पॉलिसी आई थी, फाइन। अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिले, ये तो थी एडमिशन के लिए। अब अपॉर्चुनिटी आती है आपकी जॉब्स के लिए, प्राइवेट जॉब तो यू कैन से कि कैपेबिलिटी देख के मैक्सिमम प्रोवाइड कर ही देते हैं, बट अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की तो वहाँ पे भी आप जब कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसमें अगर आप देखेंगे ना एलोकेशन और एलोकेशन ऑफ सीट्स, तो वहाँ पे आप कुछ परसेंटेज फिक्स देखेंगे कि इतना परसेंटेज एससी एसटी के लिए है, इतना परसेंट ओबीसी के लिए, इतना परसेंटेज आपको जनरल कैटेगरी पर्सन्स के लिए होगा, कैंडिडेट्स के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली है दैट दे आर हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो, ठीक है। तो ये तो आया हमारे अंडर 1989 के अंडर जो हम एक्ट्स अभी पढ़ रहे हैं, और उसके अंडर जो एक्ट आया था, आर्टिकल 14। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं एक और राइट यहाँ पे है, राइट है टू लिव इन एनी प्लेस, वो जहाँ पे भी शिफ्ट करना चाहे वो वहाँ पे शिफ्ट करेंगे विदाउट फॉलोइंग एनी बाउंडेशन।
बाउंडेशन यहाँ पे क्या आएगी। लास्ट चैप्टर में आपको इकोनॉमिकल एंड लिंग्विस्टिक राइट आपको बताए थे, इकोनॉमिक रिलेटेड टू द मनी एंड लिंग्विस्टिक रिलेटेड टू द लैंग्वेज, ठीक है। तो यही राइट्स अब 90 जो आपका एक्ट 1989 है वो प्रोवाइड करता है कि जिस भी सोसाइटी में जाके वो रहेंगे, इट्स नॉट बाउंडेशन फॉर देम कि वहाँ के रिचुअल्स और वहाँ के रिलीजन ही उन्हें फॉलो करने होंगे। फाइन, दे कैन फॉलो एनी रिलीजन, अगर वो अपने रिलीजन को कंटिन्यू करना चाहते हैं इट्स वेरी गुड, ठीक है। बट इफ़ दे वॉन्ट टू फॉलो एनी अदर रिलीजन लाइक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, तो उनके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं होंगी। अगर उन्हें अपने भी उनके पास कोई बाउंडेशन नहीं होगी, ठीक है। जो उस कैटेगरी, उस लोकेलिटी के जो लोग हैं वो उन्हें फोर्स नहीं करेंगे दैट यू आर लिविंग इन दिस लोकेलिटी और सोसाइटी, सो यू हैव टू फॉलो रिचुअल्स एंड रिलीजन ऑफ दिस सोसाइटी ओनली, ऐसा कुछ भी बाउंडेशन उनके पास नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक बहुत ही जो वियर्ड सा केस है, बट अभी आपको बताया ना कि अगर पूरी लिस्ट अगर आप निकालते हो कि 1989 जो एक्ट है उसके अंडर कौन कौन से केसेस आते हैं, तो बेटा आपके पास इतने सारे केसेस आएंगे ना, मींस यू कैन कांट एज्यूम कि ऐसा भी होता है, और ऐसे ऐसे केसेस भी आपको लाइफ में मिलते हैं देखने को, जो दलित पर्संस होते हैं वो इतना सारा भी फेस करते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं मूवी की हेल्प से आपको अभी देती हूँ। तो इसमें क्या है, केस है कि आप किसी को भी फोर्सफुली कुछ भी खाने के लिए नहीं बोल सकते हो, दैट यू हैव टू ईट दिस ओनली, यू हैव टू ईट दैट ओनली, ठीक है। इसका एक केस अभी जो मूवी का केस मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ी बहुत पुरानी सी मूवी है वो, ठीक है। मूवी का क्या नाम था, ऐसा कुछ था, होगी प्यार की जीत, ठीक है, ये वाली मूवी थी। उसमें तो वो क्या करते हैं, ब्राह्मण जो फैमिली होती है वो लोअर कास्ट पीपल, और वो जाते हैं किसी हायर क्लास जो उस टाइम पे होते थे ना, जो उसमें वर्ड यूज़ किया हवेली वाले, ठीक है, उनके पास वो जाते हैं। तो हाई सोसाइटी फैमिली होती है, वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं जो उनका लैंड राइट है, वो लैंड राइट उन्हें वापस करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, जो हायर क्लास सोसाइटी पीपल्स होते हैं वो उन्हें बोलते हैं, ठीक है, अगर आप इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हो तो जो आपके लैंड है हम आपको आपका लैंड राइट प्रॉपर दे देंगे, बट उसके लिए पड़ा वो फिनिश करना होगा, ठीक है। अब वो तो थे ब्राह्मण फैमिली से, वो नॉनवेज वो खाते नहीं थे, बट क्योंकि उन्होंने कंडीशन रखी थी कि अगर आपको अपनी लैंड राइट वापस चाहिए तो आपको ये फिनिश करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उनके जो राइट्स हैं उनका वॉयलेशन हुआ ना, उन्होंने उनके राइट को वॉयलेट किया ना, तो इस तरीके से आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि उन्हें क्या खाना है और उन्हें कैसे रहना है, ठीक है। ये भी इस केस के अंडर आता है, इस एक्ट के अंडर आता है कि अगर किसी के साथ अभी भी ये सारी प्रैक्टिसेस हो रही हैं और उन्हें अगर प्रोटेस्ट करना है तो इस एक्ट के रिगार्डिंग, इस एक्ट के अंडर वो क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। फाइन, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है हमारा बाउंडेड लेबर। बाउंडेड लेबर्स क्या होता है, बाउंडेड मीन्स जैसे आपकी बाउंड्री होती है, कुछ बाउंडेशंस होती हैं आपके पास, इस तरीके के लेबर्स को आप क्या बोलते हो, बाउंडेड लेबर्स बोलते हो। हिंदी में उनको बोलते हो आप बंधवा मजदूर। उनका क्या होता है, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिनके अंडर उन्हें काम करना है, वो कॉन्ट्रैक्टर फिक्स है, उनका काम फिक्स है, उनकी सैलरी भी फिक्स है, और सैलरी और जो उनके वर्किंग आवर्स हैं वो भी फिक्स है, ठीक है। बट यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्या है, जब सब कुछ फिक्स ही है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो उनका ओवर हो जाएगा, और पर्टिकुलर ओवर होने के बाद उनको आपका जो अमाउंट बनता है वो उनको दे दिया जाएगा। तो फिर क्या प्रॉब्लम है बाउंडेड लेबर्स में, बाउंडेड लेबर्स में प्रॉब्लम ये है बच्चे, वर्किंग आवर्स वो एक्सटेंड कर देते हैं उनके, ठीक है, और जो उनकी पेमेंट होती है पेमेंट के अकॉर्डिंग वो उन्हें पे नहीं करते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि वो बिल्कुल ही उन्हें पे नहीं करते हैं, वो उन्हें इतना ज़्यादा उनके साथ क्रूशियल बिहेव करते हैं, ठीक है, कि वो उन्हें पे भी नहीं करेंगे। पे नहीं करेंगे, पूरा दिन अगर कोई बंदा काम करेगा फिर उसको पे नहीं करेंगे, सो बेटा किस तरीके से वो अपनी जो पूरी लाइवलीहुड होगा वो किस तरीके से चलाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी की ज़रूरत तो सबको होती है। तो इस तरीके से जो बाउंड्री लेबर का पॉइंट है वो भी इस एक्ट के अंडर आता है कि अगर कोई इस तरीके से आपको ट्रीट करता है, सो यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट देम अकॉर्डिंग टू एक्ट 1989। फाइन, तो ये था आपका आज का चैप्टर, ठीक है, जो हमने आज पूरा कवर कर लिया है। बाकी आज आप इस चैप्टर को गो थ्रू होना, इससे इसकी प्रॉपर रीडिंग करना, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट सो वी कैन टेक योर डाउट इन टुमोरोज क्लास, ओके, एंड टुमोरो ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, थैंक यू।